से आप लोग आ रहे हैं? बंगाल से। नेपाल जाना है। ए मजार, मुझे अपने घर जाना है। चिन्मय घोष, अच्छा बंगाली है। इसमें क्या है इसमें? ऐसा इसमें ये यहाँ जूता है, यहाँ रेंज की जो होता है गाड़ी का रेंज किट है, यहाँ पे एक रूम स्प्रे है, एक चेन क्लीन चेन ल्यूब है, और एकदम नीचे आपका वो रेन को हवा के साथ साथ नदी के संग संग और राही चल आए हाय। सिर्फ मेरा सुर अच्छा होता ना तो मजा आ जाता। क्या बढ़िया था गुरु। कहीं दूर जब दिल ढल जाए सांझ की दुल्हन मादा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त राहुल, और आज का प्लान ये है कि आज हम लोग जाने वाले हैं मोतिहारी से रक्सौल बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल का काठमांडू। तो पहले यहाँ से चलेंगे रक्सौल बॉर्डर। रक्सौल बॉर्डर में कस्टम ऑफिस में करना है हम लोग को भंसार, और भंसार करने के बाद हम लोग को जाना है काठमांडू। तो भंसार क्या है? भंसार एक्चुअली परमिट है बॉर्डर क्रॉस करने का, और बाइक और कार के लिए भंसार एक्चुअली लगता है। तो बाइक का कितना चार्जेस रहता है और कार का कितना, वो आपको आगे चल के पता चलेगा। और उससे पहले और एक चीज बता देते हैं कि जहाँ पे जो जो आप लोगों को कंफ्यूजन रहेगा वहां पे मैं आके आप लोगों को वीडियो में बताता रहूंगा कि कैसे क्या हुआ है। और वीडियो में बने रहिए, और वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। सो गाइस, हम लोग हो चुके हैं रेडी, और अभी टाइम हो चुका है निकलने का। और यहाँ पे संजीव दा का जो चाचा जी हैं वो हम लोग को सी ऑफ करने आया है, और मैंने टार्जन को कर दिया है वार्म अप, और अभी हो चुका है टाइम निकलने का। सो लेट्स गो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, हम लोग उठ चुके हैं हाईवे पे, और मतलब जो हाईवे का मतलब इस दो साइड का नज़ारा है, दोनों साइड में सरसों का खेत, ओ भाई साहब, और ऊपर से कोड़ा, मतलब अलग ही कॉम्बिनेशन है। और हम लोग को जाना है अभी, ये क्या जगह था, रक्सौल जाना है, जो कि यहाँ से 52 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन एक बात बोलेंगे बेटा, यहाँ का ना जो गाड़ी चलाता है जो लोग, ना सिग्नल मानता है ना कुछ, जो जहाँ देखा घुसा दिया। ये भगवान क्या जुलुम है गाइस। ये देखो और एक एक्सीडेंट, एक ट्रक अपना लेन छोड़ के दूसरा लेन में जाएगा तो होगा ही। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भंसार कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? बंगाल से। नेपाल जाना है। ए मजार, इसमें ये यहाँ जूता है, यहाँ रेंज की जो होता है गाड़ी का रेंज किट है, यहाँ पे एक रूम स्प्रे है, एक चेन क्लीन चेन ल्यूब है, और एकदम नीचे आपका वो रेन को बाइक का कवर और मेरा रेन। सो फाइनली हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, और कस्टम ऑफिस में हम लोग अपना जो आईडी दिखा के भंसार भी बना लिए हैं। अभी आए हैं इन भैया का दुकान पे, जहाँ पे हम लोग ले रहे हैं सिम और करने वाले हैं करेंसी चेंज। इन भैया ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, और यहाँ पे वैदिक दा, जो वैदिक चटर्जी दा, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। भैया आके बोला कि वैदिक दा को जानते हैं, उनका ब्लॉग देखते हैं, तो हम भी वैदिक दा का फॉलोअर हैं। और भैया बोला कि आप आने के बाद से यहाँ पे कम से कम 100 से 150 बाइकर आया है, तो हम लोग भी आपको देख के ही आए हैं, ठीक है, आपका फॉलोअर में ही है। तो अभी ले रहे हैं सिम, फिर यहाँ से जाने वाले हैं हम लोग काठमांडू। सो फाइनली गाइज, ये है आपका भंसार का पेपर। तो ऐसे भंसार बनाने के बाद ऐसे पेपर आपका पास आएगा, और भंसार का पर डे का हिसाब से हम लोगों से लिया गया था 75 करके, और भंसार का जो टोटल अमाउंट हम लोग से लिया गया था वो है 1050 करके। और आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, और अगर कोई किसी को अगर प्रॉब्लम होता है खुद से करना, तो वहाँ पे बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे जो कि भंसार बनाने में आपको हेल्प कर देंगे। तो वो लोग छोटा मोटा अमाउंट के बदले आपका भंसार बना के देंगे। अगर आपको उससे भी प्रॉब्लम है तो मैं एक नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक भाई है यादव भाई, तो वो मेरे भंसार बनाने में बहुत हेल्प किया था,
तो उनका मैं जो आई नंबर मोबाइल नंबर और नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इजीली जाके उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट फुटेज में आप लोग उनको देखे होंगे, जब मैं करेंसी चेंज करने गया तो भाई ने जाके हम लोग का करेंसी जो चेंज करना था वो भी करवा दिया, भंसार भी बना दिया, तो भाई ने बहुत हेल्प किया। तो आप लोग भी उनसे करवा सकते हैं, तो उनका जो नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस फाइनली हम लोग घुस चुके हैं नेपाल, और ये जो रोड आप लोग देख रहे हैं ये रोड नेपाल के अंदर है, और अभी हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स पशुपतिनाथ टेम्पल। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसका हम लोग वीडियो नहीं बना सकते, ठीक है, जैसे कि करेंसी का। तो हम लोग बहुत सारा जगह का वीडियो लिए थे लेकिन उस सब का यूज़ वीडियो में नहीं कर सकते, तो इस वजह से मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा। और करेंसी वीडियो नहीं डाल सकते, फिर पुलिस का साथ कोई अगर बात करते हैं या फिर पुलिस रिलेटेड कोई वीडियो हम लोग डाल नहीं सकते, तो ये कुछ पाबंदियां हैं। और अभी नेपाल के रोड में चला रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम अपने बाइक से किसी और कंट्री में बाइक चला रहे हैं, तो ये तो बहुत मज़ेदार लग रहा है मेरे को। और एक बात जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ का 1600 इंडिया का 1000 रुपया, यहाँ का 1600 है उसका जो रेट। तो अगर कोई 1000 एक्सचेंज करता है, मतलब 1000 रुपया लेके आता है, तो उसका भाव यहाँ पे 1600 बन जाता है। तो मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि कोई अगर 10000 लेके आया, उसका पास उसका नेपाली हिसाब से 16000 होगा, मतलब 6000 रुपया ज़्यादा भाई साहब। लेकिन हाँ, यहाँ का खाना पीने में थोड़ा सा जो है कॉस्टली है, तो उस हिसाब से ये बैलेंस हो जाता है इकोनॉमी। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टाइगर का फोटो दिया हुआ है और बोला गया है सावधान। तो गाइज यहाँ पे जो है रॉयल बंगाल टाइगर निकलता है, और इस जगह का नाम है पारसा नेशनल पार्क। वहाँ पे साइड आप लोग बोट को देख सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ से गुजर रहे हैं तो जितना लाइट रहेगा उतना सही रहेगा, दिन का लाइट में ही गुजर जाना सही है, क्योंकि शाम होते टाइम ये लोग जितने भी जानवर है हो सकता है रोड के आसपास ही रहे। और यहाँ पे रास्ता थोड़ा सा जो है ख़राब है यार, इधर शेर निकलता है, तो कभी रास्ता तो अच्छा बना दो ताकि शेर अगर निकले भी तो टान के निकल पाए। ऐसा रास्ता रहेगा तो शेर का तो ऐसे ही निवाला बन जाएंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग चढ़ने वाले हैं पहाड़ पे, और इस साइड का पहाड़ देखिए, एक अलग ही कलर का पहाड़ देखने को मिल रहा है। हाँ, इससे पहले मैं बहुत जगह पहाड़ में राइड किया हूँ लेकिन इस कलर का पहाड़ मैंने कभी नहीं देखा, एक अलग ही जैसे सीमेंट का कलर का पहाड़ है। ये हम लोग घुस चुके हो भाई साहब, ये जो रील बनेगा ना यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे आ गए हैं एक ब्रिज पे, काफ़ी सुंदर सा ब्रिज है, और ब्रिज से लेना है हम लोगों को लेफ्ट, लेकिन पीछे संजीव दा को दिख नहीं रहा, पता नहीं। हाँ आ रहा आ रहा आ रहा। तो गाइज रोड इतना मस्त है कि क्या बताएं, पहले जब चढ़ाई के टाइम बोला गया था कि रोड उतना सही नहीं है, लेकिन अभी इतना मस्त वाला रोड है ना, दिल खुश हो जा रहा। सो गाइज अभी यहाँ का नज़ारा आप लोग देख सकते हो, ओ भाई साहब इधर नदी और उधर रोड, तो रोड काफ़ी ज़्यादा मतलब शानदार रोड है। हम लोगों को पहले बोला गया था कि उतना अच्छा रोड नहीं मिलेगा पहाड़ में, लेकिन आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रोड है यहाँ पे। बस डर जो है ये पत्थर का, ऊपर से पत्थर छोटा मोटा गिरता रहता है हमेशा, बस यही एक प्रॉब्लम रहता है पहाड़ों में। और यहाँ का जो नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, लग रहा है ना वैसे भी देश का बाहर ही है, लेकिन फिर भी लग रहा है ना कहीं दूर, मतलब अपने देश से कहीं दूर आ गए हैं। कहीं दूर जब दिल ढल जाए सांझ की दुल्हन। Wait a minute. Who are you? हम लोग आ चुके हैं एक खाने का होटल पे जिसका नाम है भोजनालय, का नाम है लोकप्रिय भोजनालय, जो कि हेटोडा में है। और यहाँ से आप लोग यहाँ का लुक्स देख सकते हो, ओ भाई साहब पहाड़ देखो गाइस, चारों तरफ पहाड़ से घेरा हुआ है। और यहाँ पे हम लोग का जो बाइक है पार्किंग कर दिया गया है, और
यहाँ पे हम लोग खाना खा के निकलेंगे काठमांडू के ओर। और अभी बीच में बहुत सारा स्पॉट ऐसा है कि बहुत सुंदर सुंदर लोकेशंस हैं कि जहाँ पे हम लोग रुकने वाले हैं या शायद नहीं भी रुकने वाले हैं क्योंकि टाइम भी हम लोग के पास बहुत कम है। और बाकी मिलते हैं आगे। ऑर्डर दिया था ये जो है नूडल्स, और यहाँ पे संजीव दा जो था रोटी ऑर्डर दिया था। संजीव दा का हो गया कंप्लीट, अभी मुझे खाना है इतना सारा नूडल्स। सो गाइज, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, इस वजह से इस वीडियो को करते यही पेंट। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द इसका पार्ट टू को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। द नेक्स्ट डे, यही वाला चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा डर लगता है। ओ भाई, ये जो धूल है ना, बहुत खतरनाक धूल है ना, इसमें पिकअप लेता है ना इसमें ब्रेक लगता है। सो गाइस, एक सुंदर सा परी जैसी लड़की मिली मेरे को। क्या बात है? क्या बोल रही थी मैम? कुछ बोल रही थी, बोलिए। यो बाटो जाने ई ले ई रास्ता से। ओके, कि और कहा, मतलब कोई लोकेशन, एनी लोकेशन लैंडमार्क? सीधा। ओके। ओ यार ये कितनी ऑसम है यार।